नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ हैं सेवा भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष, क्षत्रिय धर्म संसद काशी के उपाध्यक्ष राहुल सिंह जी। राहुल जी, जो मोदी जी का परीक्षा परिणाम आया है, लगभग 1,52,000 समथिंग उनकी जीत का अंतर है। 10 लाख का लक्ष्य रखा गया था, इतने कम मार्जिन से चुनाव जीतना, विपक्षी दल कह रहा है कि ये उनकी नैतिक हार हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीत तो जीत होती है, चाहे एक वोट से जीते चाहे 1 लाख वोट से जीते, उनकी जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्षी दल हार के भी खुश है तो हमें प्रसन्नता है कि वो हार के भी खुश है, कोई बात नहीं। यद्यपि कि 10 लाख का लक्ष्य मुझे लगता है कि ये लोकल लोगों ने चलाया होगा या किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने 10 लाख का लक्ष्य कभी लिया था न दिया था, क्योंकि 12 लाख टोटल वोटर ही हैं और इस बार बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स की के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। मेरी माता जी खुद 40 साल से वोट कर रही हैं और 80 साल की हैं, 40 साल से हम लोग इस घर में रह रहे हैं, उनका नाम कट गया वोटर लिस्ट से। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट का नाम कटा है, वो भी एक कारण है जो कि मोदी जी के वोट परसेंट को कम करता है। और यद्यपि मुझे दुख है, पर कोई बात नहीं, वो जनता है जो उन्होंने हो सकता है काशी का विकास उनको न भा रहा हो और फिर से वो पुराने 10 साल पहले वाले जंगल राज में जाना चाहते हों, जहां हम सवेरे 10 बजे से 2 बजे तक बिजली नहीं रहा करती थी, पूरे बनारस में धुआं उड़ा करता था, जनरेटर चलते थे और इन्वर्टर का व्यापार बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था और पूरा शहर अंधेरा रहता था, गंदगी से भरा हुआ था। तो हो सकता है उनको फिर से वही चीज़ें चाहिए हो, तो इसलिए कुछ लोगों ने एक तरफा वोट किया है। और आपको भी पता है कि किन लोगों ने वोट किया है, मुझे भी पता है किन लोगों ने वोट किया है। दुख होता है कि मोदी जी ने दिल लगा करके काशी के लोगों की सेवा की है और किसी छोटे मोटे देश के बजट के बराबर काशी को उन्होंने धन दिया और सुविधाएं और सफाई बाकी हर चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, परिलक्षित है। विपक्षी भी इसको नकार नहीं सकते हैं, फिर भी किसी कारण से उनका वोट परसेंट कम हुआ, इसका मुझे भी दुख है, लेकिन जीत तो जीत ही होती है। राहुल जी, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, समाजवादी पार्टी को 37 सीट, भाजपा को 33 सीट और कांग्रेस, जिसका यहाँ वजूद लगभग ख़त्म हो चुका, तो भी 6 सीट पर बम्पर जीत हासिल किया है। हम सीधे सवाल पर आते हैं कि छत्री क्यों नाराज़ हो गया भाजपा से और योगी जी को क्यों आपके शीर्ष नेतृत्व नाराज़ कर दिया, उनकी इतनी उपेक्षा क्यों हुई? ये सवाल हम नहीं कर रहे, सारी मीडिया में है, हर लोग कह रहे हैं। ये बिल्कुल निराधार बात है कि शीर्ष मीडिया ने योगी जी को नाराज़ किया, इस तरह की बातें विपक्ष द्वारा उड़ाई गई थी। देखिए, जो आपको जनादेश दिख रहा है इस समय, यद्यपि कि 33 सीटों पर भी जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं की, 37 सीटों पर, वो बहुत कम मार्जिन से हार हुई है। अच्छी बड़ी संख्या में वोटरों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया है, भाजपा के ऊपर विश्वास जताया है, लेकिन हार तो हार होती है। आप तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। एक बयान था अमित शाह जी का कि मुझे अब आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। दूसरे, अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूट कर आया तो उसने कहा कि 4 तारीख के बाद मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा और किसी बड़े लीडर ने इसका प्रतिकार नहीं किया। 30 तारीख को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हल्का सा बोला, लेकिन जिस ढंग से हिंदू हृदय सम्राट हैं आपके योगी जी, और आप अयोध्या हार जा रहे हैं, फैजाबाद की सीट जिसको फैजाबाद के नाम से जाना जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ये लग नहीं रहा कि चूक हुई है? देखिए, योगी जी तो दिलों में बसते हैं उत्तर प्रदेश वासियों के, जिसको चुभते होंगे वो तो कभी नहीं चाहेगा और वो इस तरह का र्यूमर उड़ाएगा ही उड़ाएगा। इतना मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है कि उसको ये विपक्षी जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने कहा और उस पर विश्वास करके उसका खंडन किया जाए, तो उसका मतलब उनको तवज्जो देने वाली बात थी। केवल उनको तवज्जो न देने के नाते शीर्ष नेतृत्व ने उसका खंडन नहीं किया, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। मोदी जी स्वयं इस बात को कई रैलियों में उन्होंने उत्तर प्रदेश के कहा है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उत्तर प्रदेश में योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा हिंदुओं का हृदय सम्राट योगी जी और हिंदू के मतों को आप वो मोटिवेट पोलराइज नहीं कर पाए, तो इसके पीछे क्या कारण है?
क्योंकि आप जिन चीज़ों से बचना चाह रहे हैं, जिन सवालों के उत्तर देने से आप बच रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा जब भाजपा के आरएसएस के लोगों से बात हो रही तो इसको स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी सवाल से बच नहीं रहा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ कि मेरा पद छिन जाएगा, ना ही मुझे कोई अपेक्षा है कि मुझे कोई कभी भविष्य में टिकट चाहिए, इसलिए मैं बचूंगा। पहली बात, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं और हम निरंतरता में विश्वास रखते हैं। आज भी हमारी बैठक हुई है सेवा भारती के पदाधिकारियों के साथ, 8 तारीख से हमारा एक बड़ा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, फिर 11 तारीख से 18 तारीख तक का कार्यक्रम है। हमारी निरंतरता में, हमारी सेवा भाव में, हमारे काम में कोई कमी नहीं आने वाली है, हम उसी पर विश्वास रखते हैं। आज जो भी 2 करोड़ से ऊपर हमारे आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, वो अपना आज भी आप पूरा वोट उठा के देख लीजिए तो मैक्सिमम वोट आरएसएस के स्वयंसेवकों ने ही दिया है। शीर्ष नेतृत्व तो क्या कहता है, भाजपा क्या कहती है, इससे कोई हमें मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, जो आपने क्षत्रियों की नाराजगी की बात की है, मुझे नहीं, सीधे चंदौली देखिए कितनी बुरी तरह हारे हैं आप लोग। बुरी तरह नहीं हारे हैं, 22,000 वोटों की हार लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे पांडे जी, और चूंकि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको छल कपट नहीं आता है। इस छल कपट ना आने का नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है। वो साफ कह देते हैं कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे बस में नहीं है, ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं। सबको ये चाहिए कि नहीं, कह दिए झूठ ही सही, आइए आइए आश्वासन देते रहिए, ये उन्होंने नहीं किया। और कुछ वर्गों में पुरानी पेंशन को लेकर नाराज़गी है, कुछ वर्गों में इस बात को लेकर नाराज़गी है कि नहीं तीसरी बार इनको क्यों टिकट दे दिए, वो तो दिल्ली रहते हैं, समय नहीं दे पाते। यही चीज़ स्मृति ईरानी के साथ भी यही हुआ है। तो एक वर्ग नाराज है, ऐसी बात मुझे तो बेबुनियाद लगती है। मैंने तो कहीं ऐसा नहीं सुना, ना मुझे कोई मैसेज आया, मैं क्षत्रिय धर्म संसद से जुड़ा हूँ, मुझे किसी एक भी व्यक्ति ने, क्षत्रिय ने नहीं कहा कि नहीं हम नाराज़ हैं। तो यही कहते हैं कि हमारा काम ही है राष्ट्र सेवा और देश के लिए मर मिटना। तो ऐसा कोई वक्तव्य मेरे सामने तो नहीं आया। अब हो सकता है मुझसे भी छुपाया गया हो अगर बातों को, तो मैं नहीं कह सकता। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार से बैठकें इन लोगों ने किया, इस बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्री और जो लोग यहाँ आए काशी या अन्य जिलों में, वो बैठकें इतनी अधिक हो गई कि कार्यकर्ता को जनता के बीच में जाने का समय ही नहीं मिला। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना चाहता हूं। पन्ना प्रमुख, जो कि एक पन्ने पे 10-12 लोगों का नाम होता है, पन्ना प्रमुख की जो व्यवस्था थी वो इस बार ध्वस्त थी। पन्ना प्रमुख लोगों ने अपना काम नहीं किया। मैंने इसको कई बार चेतावनी दी, मैंने अपने स्टेटस पे लगाया, कहा भी कि कार्यकर्ताओं को कार्य करने दें, अब बैठ के बंद करें, क्योंकि एक हफ्ता चुनाव में रह गया है। उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है अगर आप व्यक्तिगत संपर्क करते हैं, किसी से जाके मिलते हैं। और बाकी लोगों ने जो अंदर अंदर अपना काम कर रहे थे, इतने मतलब एक तरह से कहूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इतनी चालबाजी की गई, सारे लोग मिलके एक व्यक्ति के खिलाफ, एक पार्टी के खिलाफ खड़े थे। और उसमें भी 240-242 सीटें लाना कोई मजाक नहीं है। पूरा देश आपके खिलाफ हो गया था, 50% से अधिक लोग आपके खिलाफ हो गए थे। जो संविधान बदल देंगे जैसी बातें कि 400 सीट पार कर लेंगे तो हम संविधान बदल देंगे, अंबेडकर जी का संविधान ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद चुनाव ही नहीं होंगे, डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, इस तरह की बात बस्तियों में, जगहों में, हर जगह घूम घूम कहा। जो अब इतनी पढ़ा लिखा है उसको तो ये पता है कि संविधान बदला जाना संभव नहीं है, और मोदी जी संविधान के प्रति कितना सम्मान करते हैं उसका। लेकिन जो व्यक्ति बहुत शिक्षित नहीं है, उसको तो ये लगा कि अब चुनाव ही नहीं होगा, बदल जाएगा। देखिए, चुनाव उनके लिए आवश्यक होता है जिनको बार्गेन करना होता है कि भाजपा सरकार हमको 20 किलो राशन दे रही है, केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार आ जाए तो हमको 30 किलो राशन दे दे, हमको ये भी फ्री कर दे, हमको वो भी फ्री कर दे, वगैरह वगैरह। तो ये जो मुफ्तखोरी की आदत है ये जनता की, ये बहुत गलत है। लेकिन देश में इस तरह के राजनीतिक दलों ने ऐसी परिपाटी शुरू कर दी है तो उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। राहुल जी, एक बड़ा सवाल है कि योगी जी को जिस ढंग से उपयोग करना चाहिए उत्तर प्रदेश में, खासकर हिंदू मतों के ध्रुवीकरण को लेकर के। मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण तो कांग्रेस और सपा ने करा लिया, लेकिन योगी जी का उस ढंग से ध्रुवीकरण क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि लगता है शीर्ष नेतृत्व ने इनका उपयोग उस ढंग से नहीं किया। ये सवाल आपके हिंदू वाहिनी के लोग भी कह रहे हैं, यहाँ के शीर्ष नेतृत्व मैंने जो नेता हैं वो कह रहे हैं, मगर ऑन कैमरा कुछ बोल नहीं रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में लगभग 14 ऐसे बोकस
लोगों को चुनाव लड़ाया गया, जो चुनाव हार गए, जौनपुर का ले लीजिए कृपा शंकर जी, न उनका जौनपुर से कोई लेना न देना। तो इस तरह के जो बोगस लोग आए थे, ये सब भी बहुत मैंने सोचने का विषय है। देखिए बोगस नहीं थे, कृपा शंकर जी की जन्मस्थली है जौनपुर, और युवा होने के बाद वो कमाने धमाने के लिए बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं। उन्होंने अपने व्यापार करने के लिए वो मुंबई गए और अच्छा व्यापार किया, वहाँ पूर्वांचल के लोगों की सेवा करके वहाँ गृहमंत्री रहे महाराष्ट्र के, और एक सम्मानित व्यक्ति हैं। ये अलग बात है कि यहाँ जो लगातार जो लोग जनसेवा में लगे थे जौनपुर में, लगातार लोगों के बीच में थे, उनको टिकट दिया जाना ज़्यादा अच्छा साबित होता। लेकिन कुल मिलाकर के मैं जाति और धर्म के खिलाफ हूँ, इनका ध्रुवीकरण होना ही नहीं चाहिए। इनको अपने अच्छे कामों से इनके दिल में स्थान बनाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि मैं नकल करके पास हो जाऊं, वो कोई पास होना नहीं होता। अभी तक जो भी चुनावी पार्टियां रही हैं, राजनीतिक दल रहे हैं, वो शायद यही झूठ बोल के नकल करके पास होते रहे हैं। ये जो मैंडेट आया है, एक मजबूत विपक्ष का मैंडेट है, बोगस कोई कैंडिडेट नहीं होता है। परिस्थितियाँ आपको बोगस बना देती हैं, और कृपा शंकर सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, लोगों की सहायता करते हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो अफजाल अंसारी जी के परिवार में तो भाई उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, फिर भी वो जीत गए। तो राजनीति का क्या क्या चेहरा है, क्या दिख रहा है आपको, बताइए। अच्छे लोगों की राजनीति में कोई आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब तो यही होता है। तो जो जीता वो सिकंदर है, रह लेने दीजिए उनको सिकंदर, सरकार तो NDA की ही बन रही है, और जो छूटे एजेंडे हैं उसको मोदी जी पूरा करेंगे। अभी और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, अन्य दलों के जो छोटे छोटे दल हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आएंगे, क्योंकि उनको भी देश सेवा का जज्बा हर पार्टी के अंदर है। उनके अंदर भी जज्बा होगा कि जो बड़े ऐतिहासिक काम अब होने जा रहे हैं, जैसे हमारा POK पे जो अधिकार लेने की बात है, या हमारा जो मथुरा में निर्माण की बात है, यहाँ ज्ञानवापी में निर्माण की बात है, ये सब बातें कहीं ना कहीं अंदर एजेंडे में है और इसको हमें पूरा करना है। आज नहीं तो कल हिंदुओं को या मुसलमानों को समझ में आएगा कि ये देश अगर सुरक्षित है, वतन सुरक्षित है, तभी हम सुरक्षित हैं। हिंदू मुसलमान करके देश को कमज़ोर कर देना और हमारे जो विदेशी शक्तियाँ हैं वो हमारे ऊपर आक्रमण करके कब्जा कर लें, इसके बाद न हिंदू सुरक्षित रहेगा न मुसलमान। बिजली कटेगी तो सब रोएंगे, पावर प्लांट बंद हो जाएंगे तो सब रोएंगे, सड़कें ख़त्म हो जाएंगी तो सब रोएंगे, मेडिकल फैसिलिटी ध्वस्त हो जाएगी तो सब रोएंगे। ये अब समझना पड़ेगा कि हम विकास की तरफ आगे बढ़ें। और अभी देखिएगा विधानसभा चुनाव सर पे हैं, योगी जी से यदि कोई गलती हुई होगी प्रशासनिक स्तर पे, सांगठनिक स्तर पे, तो मुझे लगता है कि वो उसको सुधारेंगे और प्रचंड बहुमत से फिर हम विधानसभा चुनाव जीतेंगे। ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि योगी जी को हटा दिया जाएगा इस परिणाम के बाद, तो इस पर हम आपसे दो टुक शब्दों में चाहेंगे। मान लीजिए योगी हटा दिए जाते हैं तो क्या छत्तीस समाज नाराज हो जाएगा, और योगी जी का रहना उत्तर प्रदेश कितना आवश्यक है? देखिए पहले तो ये निराधार बात है कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, और योगी अब अपरिहार्य हो चुके हैं। यद्यपि क्षत्रिय समाज से वो अपने आप को क्षत्रिय हैं तो कहते हैं, लेकिन वो क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है, वो एक प्योर हिंदू हैं और संत हैं। मेरा उनसे परस्पर पारिवारिक संबंध है, मैं जानता हूँ, अत्यंत ही कोमल हृदय के और अच्छे व्यक्ति हैं, पर अंदर से अच्छे हैं, कोमल हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पे उतने ही कड़े और कठोर हैं। इसलिए योगी जो है अभी लगता है उत्तर प्रदेश को और 10 साल 15 साल योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, योगी जी चाहिए, जिससे कि जो थोड़ी बहुत कमियां बची रह गई हैं उसको भी पूरी तरह साफ़ कर दिया जाए। देखिए आप एंटीबायोटिक का डोज़ लेते हैं, उसको 5 दिन 6 दिन का डोज़ होता है, आप 2 दिन खा के अगर उसको छोड़ देंगे तो भविष्य में एंटीबायोटिक भी काम नहीं करती है और उस दवा आपका रोग भी बीमारी भी ठीक नहीं होगी। बीमारी ठीक करने के लिए अभी योगी जी को 2-3 टर्म और मुख्यमंत्री बनाया जाए, और क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इक्के दुक्के लोग हर जगह गड़बड़ होते हैं, हर समाज के लोग हैं, और वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, इसमें किसी एक समाज को दोष देना ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैंने एक बहुत ही प्रमुख अखबार मोदी जी का रोड शो हुआ यहाँ पर, इससे क्षत्रिय समाज आहत था और मुझे कई लोगों ने फ़ोन भी किया। रोड शो के बाद एक बहुत प्रमुख अखबार, नाम ही ले लेता हूँ, अमर उजाला,
अमर उजाला में खबर छपी मोदी जी के रोड शो में इतनी भीड़ हुई और वगैरह वगैरह, यहाँ इतने वोटर हैं, उसमें सब मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, इतने वोटर हैं, सब सब जातियों की गणना करके लिखा गया था, इतने लाख ये, इतने लाख यादव, इतने लाख कुर्मी, इतने लाख, उसमें क्षत्रियों का कहीं जिक्र भी नहीं था। जबकि पूर्वांचल में तो पता नहीं कितने हैं, काशी में ही 2 लाख क्षत्रिय रहते हैं, तो क्या क्षत्रिय इतना गया गुजरा हो गया है कि आप उसका जिक्र ही मत करिए? तो यही तो कहा जा रहा है, ब्राह्मण और ठाकुर, ये दो वर्ग, ये दो वर्ग को बिदका दिया इन लोगों ने और वो इनकैश कर लिया है आपके इंडी गठबंधन वालों ने। नहीं, बिदका दिया नहीं है, देखिए मीडिया, मीडिया के लोगों ने ये काम किया। क्यों किया? अमर उजाला ने क्या इंडी गठबंधन से पैसा खाया था? अमर उजाला ने ऐसा काम क्यों किया? ये या तो जो बताने वाले हैं, जो मीडिया के लोग बताने वाले हैं, अमर उजाला कहता है मैंने पूछवाया तो उन्होंने कहा कि जो आपके यहाँ से लिख के मिला वो हमने किया, तो इसका मतलब कि जो हमारे यहाँ लिख के देने वाले हैं वो क्षत्रियों की गणना ही नहीं कर रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं और जो काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं, उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे तो आप जान से मार दोगे, रेत दोगे, तब भी मैं बदलने वाला नहीं हूँ, विचारधारा का आदमी हूँ, मेरे जैसे और लाखों भाई मेरे हैं, लेकिन कुछ 10-20 हज़ार लोग तो ऐसे हो सकते हैं ना जिनको ये बात बुरी लग जाए। मुझे कहा लोगों ने कि भाई साहब आपका नाम ही नहीं निकल रहा, तो मैंने उनको समझाने के लिए कहा कि भाई शेर की गिनती कहाँ होगी, आप शेर हैं, आप क्यों इस तरह की बात सोचते हैं कि गिन के आपका नाम लिखा जाए? क्या बताइए, सब सबका लिखा गया, मुसलमानों तक का लिखा गया कि इतने मुसलमान हैं, इतने यादव हैं, इतने पटेल हैं, इतने, तो क्षत्रियों का नाम क्यों नहीं लिखा गया? उन्होंने कहा मुझे भी दुख है इस बात का क्यों नहीं लिखा गया, लेकिन आप अपने को सुधारिए, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए। तो एक उर्दू का शेर है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, है ना? तो इतना इतना आपके पास अपना सामर्थ्य बना लीजिए कि आपको, आपके बिना लोग सर्वाइव ही ना कर पाए, कोई भी पार्टी हो। लेकिन फिर भी मैं जातिगत और ध्रुवीकरण और जातिगत समीकरणों के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी या संघ की किसी बैठक में यदि उपस्थित रहता हूँ, मेरी कोई बात अगर होती है, तो मैं यही कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम का टेस्ट करा करके टिकट दीजिए, परीक्षा लीजिए कि उनको सामाजिक विज्ञान की कितनी जानकारी है, उनको नैतिक शास्त्र की कितनी जानकारी है, तब टिकट दीजिए। लेकिन ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, मैंने वो तंत्र जो लोक ले उसका तंत्र हो गया, तो बहका करके, संविधान की बात करके, बेरोजगारी की बात करके और अग्निवीर योजना की बुराई करके, इस तरह के अनर्गल प्रालाप करके ध्रुवीकरण करा लेना, ये देश के दुश्मन ही कर सकते हैं, ये कोई देशभक्त नहीं कर सकता है। कुछ भी कह के चुनाव जीत जाए, कि किसी भी हालत में जैसे लग रहा है कि रोजी रोटी बंद हो गई, एकदम मरे जा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, इस स्तर पे आकर के चुनाव लड़ना ये मोदी नहीं कर सकते। तो ये रहे राहुल सिंह, जिन्होंने क्लाउन टाइम्स के सभी सवालों का तफसील से जवाब दिया। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं ये भी आपसे अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में पॉजिटिव पत्रकारिता के माध्यम से लोगों के अंदर संदेश डालिए और बताइए कि विकास होता क्या है। काशी के विकास पर चर्चा है, पूरा विश्व चर्चा कर रहा है, तो काशी के लोगों को समझ में क्यों नहीं आया, इस पर ज़रूर आप अपनी रिपोर्टिंग करिएगा। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।